तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी आई हुई है, सब्जी निकालते हैं, ताजा ताजा सब्जी। पहले टोकरियां, ये वाली टोकरियां ना हमारे पास, तो ये आसानी से फ्रिज में आ जाती हैं, ना आए तो फिर सब्जी निकाल के भी फ्रिज में रख देते, वैसे आ जाती है। ऊपर जो सेकंड पोर्शन है ना, उसमें हमारा बड़ा फ्रिज है ना जी भाई, उसमें आ जाती है सारी। तो ये देखिए, सबसे पहले है टमाटोज, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे टमाटर है ना। यस, बहुत खूबसूरत। अब निकाल लेते हैं नेक्स्ट सब्जी। नेक्स्ट सब्जी में है करेले। कितने ताजे, ये वाला थोड़ा खराब दिख रहा है ना जी भाई, बाकी ताजी पुराना दाल जैसा है। और इसके अलावा बैंगन है, बैंगन तो वाली साहब ने बहुत फरमाइश पे मंगवाए। वैसे मौसम ऐसा है ना कि बैंगन खाने का दिल करता है ना जी भाई। ये देखिए माशाल्लाह, कितने प्यारे बैंगन है। वैसे हमारे घर में बैंगन के पकौड़े भी बनते हैं, पर इसका सालन बनेगा ना जी भाई। और ये है सिस्टर की फेवरेट, वालिद साहब, वालदा साहिबा, वालिद साहब की फेवरेट भिंडी। भिंडी ताजा ताजा भिंडी, ओ सिस्टर के लिए खीरे, खीरे कुकम्बर जी, कुकम्बर जी, कुकम्बर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है खीरे, ताजा ताजा खीरे। ये है टमाटोस, ये है बैंगन, जो मेरे ख्याल में आज सिस्टर डिनर में बनाएंगी थी ना, लंच में दाल बनाई थी, डिनर में बैंगन गोश्त बनाएंगी है ना जी। ये है करेले, देखिए कितने ताजे हैं, बस एक खराब दी है ये वाला बीच में है ना, इसको साइड पे कर देते हैं, ताजा ताजा करेले। आज का सावन है ना, तो हर चीज गल सी जाती है। करेले है और भिंडी, भिंडी देखिए, ओकरा, ओकरा। तो मेरी सिस्टर जो है बहुत अच्छी सब्जियां बनाती हैं, इंशाल्लाह मैं कभी सिस्टर से भी रेसिपी जो है आप बनवा के रिकॉर्ड करूंगा और शेयर करूंगा। तो ये सब्जियां हमारी, इनको लगाते हैं फ्रिज में, फिर आपसे फ्रूट निकालते हुए मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लाए हैं वाली साहब खूब सारी सब्जी और ग्रोसरी करके लाए हैं। ये भी पड़ी है ग्रोसरी, वो कुकिंग ऑयल, आटा पड़ा हुआ है और सारी सब्जी पड़ी हुई है। सब्जी निकालते हैं, टमाटर निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं सबसे पहले आलू प्याज। प्याज देखिए ऊपर डलवाते हैं और आलू नीचे डलवाते हैं हमेशा, ठीक है। यस, ये आप ऊपर से आलू प्याज निकाल लेंगे
और बाकी जो आलू है इधर आके आ जाओ बेटा, ये देखिए जी बेटा आलू भी हमने निकाल लिए, देखिए फीका आलू है, ये फीका आलू दिखाओ, ये आलू है जी, और ये प्याज है, साथ साथ रखते भी जाते हैं। प्याज देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर का करें, इससे मिलेगी खैरो बरकत आपको भी और हमें भी, ठीक है ठीक है। अब निकालते हैं सब्जी, सब्जी से पहले निकालते हैं छलियां, देखे छलियां आई हैं आजकल मौसम में बहुत अच्छी, बताओ छली छलियां जो है हमारे घर में भून के भी खाई जाती हैं, इस तरह से चूल्हे पे भून के भी खाते हैं और उबाल के भी खाते हैं, और इसके दाने उतार के तवे पे भून भी लेते हैं ना, ये देखिए कितनी प्यारी छली है, और ये खड़े हैं वाली साहब ये देखिए माशाल्लाह है ना प्यारी प्यारी छलियां, बहुत अच्छी है भाई, और ये व्हाइट है कि ब्राउन है, व्हाइट छली है ये होगी। अब सब्जी निकालते हैं, सब्जी में देखिए क्या क्या लाए वाले साहब, सब्जी में सबसे पहले है लौकी, ये दिखाओ कितनी प्यारी है, ये इसे घिया कद्दू भी कहते हैं, पंपकिन पंपकिन, ये देखिए कितनी फ्रेश है लौकी, जो है गोश्त में भी अच्छी पक जाती है, चनी के दाल में भी अच्छी पकती है, और इसके अलावा थैले में देखते हैं और कौन कौन सी सब्जी है, ये है वाओ, ये है तोरी, तोरी तोरी निकाल लेते हैं, दिखाओ तोरी क्लोज भी लो, ताजी ताजी तोरी निकाल ली है, अब देखते हैं और कौन सी चीज है, बैंगन, बैंगन के पकोड़े भी हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, इसके अलावा बैंगन गोश्त, और बैंगन वैसे भी पकता है हमारे घर में बहुत, और भिंडी की कर दें, भिंडी नहीं होती, क्लोज भी लो, तो देखिए बैंगन आए हैं जबरदस्त वाले बैंगन, ये देखिए कितने प्यारे बैंगन है, तो हमारे घर में सब्जी कौन कौन सी आई है, बैंगन आई है दिखाओ क्लोज भी लो, बैंगन का कितने फ्रेश है, तोरी आई है देखिए कितनी तोरी प्यारी है, और ये है लौकी, लौकी छलियां और टमाटर है, ठीक है, और ये सारी सब्जी और आलू प्याज थे, ये सारी सब्जी फ्रिज में रखते हैं, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट हम ग्रोसरी दिखाएंगे जी, नेक्स्ट ग्रोसरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, वीडियो रिलेटेड अच्छी अच्छी सजेशंस भी लिखे, इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा और आपके सजेशंस पर जरूर अमल भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने का भी कहें थैंक यू। तो देखिये फ्रेंड्स, आज फिर हम लाए हैं इवनिंग टू डिनर टाइम जो रूटीन शेयर करेंगे आपसे, हमारे चैनल पर डेली यही रूटीन शेयर होती है इवनिंग टू डिनर टाइम, तो शाम को आते हैं हमारे घर में दूध आता है फ्रेश पहाड़े से मिल्क आता है, इस्लामाबाद में रहते हुए हमें ताजा दूध अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है, मतलब कि फ्रेश मिल्क यानी कि
गाढ़ा दूध मिल जाता है ना जी जी जी, जो कि नजरों के सामने बैल से निकलवा के लाया जाता है। बिल्कुल खालिस और प्योर दूध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। वैसे ही बाहर जो है केमिकल्स के भी दूध मिल रहे हैं और पानी मिला हुआ भी दूध मिल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ताजा दूध जो है भैंस का मिल जाता है, मतलब खालिस दूध। खालिस दूध बहुत कम मिलता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें दूध हम निकाल रहे हैं, दूध निकाल लेते हैं, शाम की चाय बनाते हैं अच्छी सी, शाम की चाय आपके साथ शेयर करते हैं और फिर हम डिनर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने दूध चढ़ा लिया, दूध जो है साथ साथ उबल जाएगा, साथ साथ शाम की चाय। पीछे से बंद भाई। हाँ वो अच्छा, ये ऑफ है, वॉल ऑफ है ना। यस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब शाम की चाय भी रख लेते हैं साथ में, और आज शाम को बन रहे हैं चिप्स, बना रहे हैं अच्छे से पोटैटो के चिप्स। आजकल आलू टीका जो है वो टीका ले, मीठा भी आता है टीका ले आलू, तो जो टीका आलू है उसका थोड़ा रेट ज्यादा होता है, पर टीका आलू खाने में भी अच्छा लगता है, हम तो टीका ही लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू की मजेदार सी चिप्स, ठीक है। और इसके अलावा दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, ये चूल्हा जब घुल जाता है ना तो कभी कभी मैजेस्टिक थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ देता है। दूध रखती है साथ में, ठीक है, और दूसरा दूध भी निकाल लेते हैं। ये दूध जो है ना हमारे घर में रोज आता है, क्योंकि वाली साहब, वालदा साहबा और सिस्टर प्यारी जो है पीती नहीं है ना, लास्ट लास्ट पीते हैं रात को सोने से पहले, और चाय बनती रहती अच्छा है सारा दिन, तो इसलिए दूध आता है। ठीक है, तो दूध हमने रख दिया, साथ में पानी रख दिया, पानी भी उबर रहा है, और थोड़ा सा ना कंगाल डाल लेते हैं इसमें। कंगाल डालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल खाली दूध को उबालेंगे ना तो वो फट जाता है। ठीक है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा कंगाल डालना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, इसी तरह से बोतल का भी कंगाल निकाल लेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बोतलें धो लेता हूँ दूध वाली, क्योंकि इनको धोना बेहद जरूरी है, अगर नहीं धोएंगे नेक्स्ट टाइम जो दूध लाएंगे ना वो फट सकता है। ठीक है, उधर हमने दूध चढ़ा लिए, इधर चाय का पानी चढ़ा हुआ है, इधर जो है आलुओं को पील करूंगा फिर मिलते। ठीक है सिस्टर, देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गए चाय के पानी में, और इधर मैंने आलू भी जो है छील कर रखी है। तो देखिए फ्रेंड, चाय पत्ती डालते हैं, और एक दूध हमारा उबल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, दूध को रखते हैं नीचे और दूसरा दूध चढ़ाते हैं और चाय अच्छी से पकाते हैं, उसके बाद बनाएंगे कुकिंग ऑयल। लो ना बेटा, शॉर्ट व्यू भूल गए। देखिए चाय अच्छी से पक रही है, अच्छी सी चाय पक रही है, और इसमें डाल देंगे अब थोड़ी सी कुटी हुई सब्जी इलायची। देखिए सिस्टर ने कूट कर रखी हुई थोड़ी सी डाल, ये दूध उबल चुका है हमारा। ठीक है, इसको उतार लेते हैं और आलुओं को छील लेते हैं। ये आलू है, इनको मैं धो के अच्छे से साफ करता हूँ। आपकी स्त्री बेटा है जी जी, जाओ फिर भाई बोलो आप, ये ले सकते हो ऐसे।
होती है। बस इन्हें अब कवर अप करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे चिप्सों को अच्छे से। साथ में चाय भी रेडी होगी, साथ में हमने कॉर्नफ्लोर भी लगा के रख लिए चिप्स को। ठीक है, इसको तीन उबाले दिलवाएंगे तो चाय भी हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चिप्स हो गया, फर्स्ट बैच जो है चिप्सों का हो गया। उधर हमने चाय में भी चीनी डाल दी है तो उसको भी देखेंगे गिरना जाए। तो देखिए चिप्सों की साउंड सुने, दिखाओ क्लोज भी लो, ये देखो माशाल्लाह। बहुत ही करारी और अच्छी चिप्स बनी है हमारी। ये बात डालने के बाद नीचे से गैस को तेज करेंगे और मिक्स करेंगे।
से कवर अप करते हैं। चाय भी हमारी डन हो गई है। शाम की चाय के साथ है आज मजेदार से चीप्स और साथ में जो दूसरा दूध है छोटे वाला दूध इसको भी चढ़ा देते हैं कि ये उबल जाए टाइम से। तो देखिए फ्रेंड्स वाली साहब और सिस्टर की जो है पीकी वाली चाय निकाल दी है एज यूजुअल क्योंकि वो पीते हैं हनी वाली चाय विदाउट शुगर। वालदा साहिबा मेरी और प्यारा भाई मेरा जुनेद वो पियेंगे मीठी मीठी चाय चिप्स के साथ। नहीं भाई नहीं डालना जब मैं पिकी पीऊंगी तो सही है। चाय भी रेडी होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। चिप्सों पे ये देखें चिप्स कितने करा रहे हैं मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो देखें गरम गरम चिप्स पे मसाला डाल लेते हैं खोलते हैं अपनी स्पाइसेस किट और इससे मसाला ले लेते हैं। मसाले में देखें क्या क्या है सबसे पहले ये चाट मसाला अच्छी स्पाइसी सी बनाएंगे फिर डालेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर थोड़ी सी रेड मिर्च ताकि अच्छी मजेदार सी वाली चिप्स बने। ठीक है अब इसको करते हैं मिक्स मिक्स। ठीक है साउंड सुन लीजिए कितनी करारी चिप्स है। इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं हमारे पास आमचूर पाउडर भी है और हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया गरम गरम माशाल्लाह। और इसको हम केचप से सर्व करेंगे देखिए कितनी करा रही है। ठीक है सिस्टर आप सर्व करें। हेलो Thank you.
ठीक है सर। बाद में इसके टोमेटो के ऊपर तक ये वाला तो देखे फ्रेंड, चाय टाइम कंप्लीट हो गया, चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह सब कुछ खा के मजा आ गया। अब बना रहे हैं आज हम डिनर में मटर जो है आलू शोरबे वाले बनाएंगे, जिसमें हम डालेंगे उबले हुए अंडे। ठीक है, उबले हुए अंडे डालेंगे हम हमेशा जब मटर बनाते हैं ना, चाहे गोश्त के साथ ना चाहे आलू के साथ, अंडा जरूर उबला हुआ डालते हैं। तो ये मटर लिए 400 रुपए किलो मिले इस्लामाबाद में तो मटर बहुत महंगा है। मटर बनाने के लिए हमने लेनी है मटर, टमाटर, प्याज, लहसुन चिलावा, हरी मिर्च चॉप्ड हुई भी और एग्स है। ठीक है, और इधर हमारा कुकिंग ऑयल है, इधर हमारा पैन है। ठीक है, पैन अच्छे से हीटा हो चुका है, इसमें डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह खानी आज की रेसिपी का आवाज करते हैं। आज डिनर में बन रहा है मटर, आलू और अंडे का सालन। ठीक है, अंडा वैसे ही हम ऊपर से डालेंगे। जो मेरी वालदा साहब है वो कहती हैं, जो ये मटर का सालन होता है इसमें लहसुन जो है बस एक ही जाती है, ज्यादा लहसुन नहीं जाती। ठीक है, एक भी नहीं हाफ जाएगी, हाफ जाती है बिल्कुल ठीक से, हाफ लहसुन जाती है क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। ये कितने लहसुन है? ये एक पूरा है, लेकिन हाफ डालना, हाफ डालेंगे। ठीक है, तो प्याज देगी सबसे पहले, ये गई प्याज, ये हाफ लहसुन इसमें गई, तो इसको ऑन करेंगे कीड़ा ही कीड़ा। अच्छे से लहसुन और प्याज कुक होता है तब तक मैं क्या करता हूँ कि मैं अंडों के लिए पानी दे देता हूँ।
मैं आलू लेकर आता हूँ। टमाटर गल जाए अच्छे से, उधर अंडे हो रहे हैं, इधर आलू हमने छील कर रख लिए, मटर भी तैयार है, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। चलते हैं देखते हैं टमाटर को क्या हालात चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बोनाई के आ गए। अब देखे टमाटर को पानी को भून लेते अच्छे से, इस तरह से चम्मच चलाते हैं, स्मूथ भी करते जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह देखिए कलर कितना प्यारा आया, मसाले का कलर अच्छा होना तो हांडी बहुत ही अच्छी बनती है। अब देखें ये बिल्कुल ताजे मटर है, वैसे तो अभी सीजन नहीं है, फ्रोजन ही है ये, पर ये ताजे मटर है तो इनको हम ना उबालेंगे ना भूनेंगे, भूनेंगे तो बिल्कुल नहीं, उबाल के वैसे यूज कर लेते हैं अगर सीजन के बगैर हो या फिर वो जो कैन वाले होते हैं वो, पर ये ताजा कच्चा मटर है, अभी मैंने खा के देखा है मीठा है, तो हम आलू को पहले भून लेंगे, ठीक है। मटर को या उबले हुए चनों को अगर आप भून लेंगे ना, इवन दो मटर भी आप जो है ना उबाल के अगर भून देंगे ना तो वो कभी भी नहीं गलता, वो सख्त हो जाता, तो हमने सिर्फ आलू इसमें भूनना है इस बार, ठीक है। तो देखिए आलू भून रहे साथ 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 अंडे भी उबल चुके हैं, अंडों का मैं पानी बदल दूंगा, क्योंकि अगर अंडे गर्म पानी में पड़े रहेंगे ना तो अंडा पकता रहता है और सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैंने अभी ग्रेवी में अंडे नहीं डाल दे, लास्ट में डाल दें जब डालना होगा, ठीक है। अंडों को हमेशा इस तरह खुले पानी के नीचे छोड़ दें, फिर इसका छिलका बहुत अच्छा होगा। बस इस रेसिपी में हमने आलू को ही भून लिया। आलू को भून लेते हैं, इस
उसका पानी वगैरह लेके दो दफा इस तरह से करने से अंडे की कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अगर अंडे गर्म पानी में पड़े रहेंगे ना तो पकते रहते हैं, ठीक है। अब ये पानी ले लेते हैं, पहले पानी डालेंगे, इसमें हम डाल देंगे ये मटर, ठीक है। लो एक चौंकी बेटा, ठीक है। बस अब मटर को कोई भूनना वगैरह नहीं है, मटर में डाल देंगे पानी, इतना पानी डालूंगा जिसमें आलू गल जाए, मटर अच्छे से गल जाए और हमें एक थिक सी ग्रेवी मिल जाए, ठीक है। मटर आलू शोरबे वाले बना रहे हैं तो जाहिर बात है इसके साथ तो ग्रेवी होगी होगी, पर बहुत ज्यादा शोरबा नहीं हम रखेंगे, हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे इसको। आप जो है ना मटर आलू शोरबे वाले सालन को पराठे से भी खा सकते हैं, उबले चावलों चपाती से भी खा सकते हैं, नान से खाएं तो और भी मजा आएगा। बस ये गया इसमें पानी, ये पानी आधा होगा सूख जाएगा। अब इसको कवर अप करके पकाएंगे, हमें तेज फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि ठंडा पानी डाला है, फिर मीडियम फ्लेम पे करके तकरीबन 20 मिनट ये जरूर पकेगा। इधर मेरे अंडे भी ठीक हो गए, इनको मैं बाद में छीलूंगा। सालन भी तकरीबन डन हो गया है, अब इसमें डाल लेते हैं उबले अंडे। और आज मटर आलू के साथ सिस्टर ने बनाए उबले वाइट राइस भी बनाए हुए, व्हाइट राइस जो है वालदा साहिबा और सिस्टर प्यारी खाएंगी, बाकी मैं और वाली साहब जो है वो खाएंगे रोटी रोटी सब इंशाल्लाह। मैं वाली साहब रोटी खाएंगे, वालदा साहिबा सिस्टर और भाई जुनी जो है राइस खाएंगे, राइस के साथ उनको अच्छा लगता है। मटर आलू जो है उबले चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो सिस्टर ने उबाले हैं सुपर बासमती राइस, है ना। यस, तो हम जो पुलाव या फिर बिरयानी के लिए जो चावल यूज करते हैं ना गार्ड का बासमती वाला, वही हम बॉयल होने के लिए भी वही यूज करते हैं, क्योंकि बॉयल करने के लिए भी चावल अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। बिल्कुल लास्ट में, वैसे तो प्लेट में भी डाल सकते हैं जब सर्विंग करेंगे, मटर आलू जो है डालेंगे उस टाइम भी ये उबला अंडा डाल सकते हैं और देखी में भी थोड़ी देर के लिए डाल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ना जो मसाले का जायका है वो भी उसके अंदर अब्सॉर्ब कर लो। ये इसमें डाल देता हूँ, बताओ देखा हमने बहुत ज्यादा इसका शोरबा नहीं रखा, बस ये भी डाल और साथ में उबले हुए चावल सिस्टर ने बनाए, ठीक है। ठीक है, आप सिस्टर जो है रोटी डालेंगी,